हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत सारा वाला वेलकम ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। चलिए देखते हैं, आप लोगों ने पता कर ही लिया होगा वीडियो का टॉपिक क्या है कि आखिरकार उनका जो है कॉल आपके पास कब तक आने वाला है। चलिए हम भी देख लेते हैं, ठीक है, कि आपके पर्सन का कॉल आपके पास कब तक आने वाला है और वो आपको कॉल कब तक करने वाले हैं, और कॉल होगा तो किस तरीके की बातें होने वाली हैं, किस तरीके की पॉजिटिविटी वाली बातें होंगी, किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी वाली बातें होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ईच एंड एवरी थिंग। बट रिमेंबर वन थिंग दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करें आप दोनों के साथ, आप दोनों के साथ आप सभी लोगों के साथ। और अगर करती है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पेज ऑफ पेनिकल्स, द मून कार्ड एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास आया है, एंड देन हमारे पास दो कार्ड और आए हैं, नाइन ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली चीज गाइस, आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर एंड टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्पेशली कैंसर कार्ड, ठीक है। ओके, देखो सबसे सबसे फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आई है वो है कि आप लोग सोलमेट्स हैं या तो, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। मतलब आप दोनों का जो जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आपके इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, खत्म कर देना चाहते हैं, निस्ते नाबू टाइप्स कि बस एकदम खत्म कर दो टोटली। और ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं, ये चीटर भी हो सकते हैं, ये डिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग, ठीक है। तो आपको अलग करने वाले लोगों की ना कमी नहीं है, और ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों को अलग करके कुछ बहुत कुछ बड़ा सारा हासिल हो जाएगा, लेकिन उनके दिमाग में ना कहीं ये चलता रहता है कि ये खुशी से नहीं रहने चाहिए, इनकी विश फुलफिल नहीं होनी चाहिए। आप दोनों ने ना इन नेगेटिव इन्फ्लुएंसर और इन नेगेटिव कंडीशंस की वजह से बहुत कुछ झेला है। नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, रात रात भर सोई नहीं है, परेशान रही है, आंखें हमेशा लाल रही हैं, लोगों ने आपसे बहुत पूछा क्या हुआ है भाई, बताओ क्या बात है क्या नहीं है, और आप कभी भी कुछ नहीं कह पाए। क्यों? क्योंकि पेज ऑफ पेनिकल्स, आप हमेशा एक तरीके के सौरव में रहे, एक तरीके के विश्वास में भी रहे आप लोग कि एक दिन तो सही पर आएगा जरूर। काफी लोगों ने ना आपको भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी और अभी भी कर रहे होंगे कि ये इंसान कभी भी नहीं आएगा, अब तुम ना इसका सोचना ही बंद कर दो, ठीक है। This person won't be come in your life. और अब अगर आता भी है तो ये फिर ना किसी तरीके के लालच के लिए आएगा, तो तुम आगे बढ़ जाओ, ये सही नहीं है, ये सही इंसान नहीं है तुम्हारे लिए। हर किसी ने आपको इसी तरीके से डिमोटिवेट और डिमोलराइज करने की कोशिश करी है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है बेसिकली, ठीक है। हर किसी ने आपको ना यही समझाने की कोशिश करी है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, और फिर भी आप लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं आ रही, आप लोगों ने फिर भी एक तरीके का हौसला रखा है, एक तरीके की हिम्मत रखी अपने अंदर। कब तक आ रहा है प्लीज एंजल्स बताएं, इनके पार्टनर का कॉल मैसेज कब तक आने के चांसेस हैं, कब तक आने के चांसेस हैं। हर्मिट, फिर है हमारे पास टेन ऑफ पेनिकल्स, देन है हमारे पास लवर्स, फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ, एंड वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो मैंने बोला था ना कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई है जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसर, और देखो यहाँ पे भी लवर्स, टू ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, नाइन ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये तो चीज कंफर्म है कि आप लोगों का जो रिलेशन है वो आम रिलेशनशिप नहीं है, इट्स नॉट अ कॉमन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इट्स रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मतलब कुछ बहुत ही स्पेशल, कुछ बहुत ही खास रिलेशन है आप दोनों का। बिल्कुल, देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहले नहीं तीसरी चीज इस पर्सन का कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है आप लोगों को बहुत जल्दी। ये बहुत हो गया, ये पर्सन अब इस नेचर में नहीं रहने वाला है जिस नेचर में ये अभी तक थे, ठीक है, कि इस तरीके से अजीब तरीके से बिहेव करना, नेगेटिव से रहना, रूड सा बिहेव करना, या किसी से ठीक से बात नहीं करना, गार्डेड अप होके रहना। आपने बहुत कोशिश करी होगी इस पर्सन को समझाने के, मनाने की, लेकिन ये पर्सन कभी माना नहीं ना समझाए, ठीक है। तो ये पर्सन के समझने का और अब मानने का समय आ चुका है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, क्योंकि आपने ना इस पर्सन को टोटली अब इग्नोर कर दिया और सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे और अपने हर चीज के ऊपर फोकस करने की कोशिश करें, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, हर चीज के ऊपर
पर आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड फाइनली आप इस हर्मिट वाले मोड से निकल करके, इस नेगेटिव मोड से निकल करके पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है गाइज। नेक्स्ट 48 आवर्स, 72 आवर्स, यानी कि आने वाले 2 दिन, 3 दिन, या आप 1 वीक मान लो, ये इतना कम समय मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काजी ऐसी चीज बोल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ 2 दिन, कुछ लोगों के लिए एटलीस्ट 7 डेज, और कुछ लोगों के लिए 3 से 4 दिन। मतलब आप मान के चलो मैक्स टू मैक्स विदिन अ 7 डेज आप दोनों की कॉल पे बात होने वाली है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉल कन्वर्सेशन करने वाले हैं। ओके, और ये कॉल कन्वर्सेशन अगर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को कैसा क्या होने वाला है, ताकि उससे ना आप लोग थोड़े से सतर्क हो जाए कि कैसा क्या होगा। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें ये कॉल क्या कंक्लूजन देगी। ओके, 2 कार्ड आ गए, हर्मिट का कार्ड बहुत आ रहा है भाई, हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेनिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेनिकल। ये पर्सन आपको कॉल मैसेज जो करने वाले हैं ना, ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं, मतलब ये आपको दिखाने की तो ये कोशिश करेंगे कि मुझे कोई मतलब नहीं है और सिर्फ काम से मैंने कॉल किया है। ठीक है, ऐसा सच कोई प्यार मोहब्बत वाली बात की वजह से मैंने कॉल मैसेज नहीं किया है तुम्हें। ठीक है, और इस चीज के इस जैसे इस पर्सन का कॉल आएगा ना तो आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी, लेकिन जब आपको पता लगेगा कि इस पर्सन ने मेरे को कॉल इसलिए किया है ताकि ये अपनी कोई बिजनेस की या कोई प्रॉब्लम की या फिर कोई जॉब की बात कर सके, मतलब कोई इस किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से कॉल किया, इसने इसलिए कॉल नहीं किया कि ताकि मेरा हालचाल पूछ सके या मुझसे बात कर सके, ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा बुरा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे इससे लड़ाई कर लूं मैं, इससे नाराज हो जाऊं, इसको समझा दूं हिंदी में कि क्या कहना क्या चाह रहे हो, तो मतलब समझना क्या चाह रहे हो, मैं कोई पागल इंसान हूं क्या, या मैं कुछ ऐसा हूं क्या कि तुम कभी भी आओगे जाओगे और कोई मतलब ही नहीं है मुझे। ठीक है, आपको इतना गुस्सा आ सकता है और इस गुस्से की वजह से आप दोनों की लड़ाई हो सकती है। सो प्लीज बी वॉर्न, ओके, अपना ध्यान रख करके शांति से बात करने की कोशिश कीजिएगा। ये इंसान करियर रिलेटेड या किसी काम रिलेटेड आपको कॉल करने वाला है। ओके, लेकिन कॉल तो आ रहा है बेसिकली सही बताऊं तो कॉल तो आ रहा है भाई। ठीक है, अब चाहे वो आप ऐसा कह लो कि लड़ाई की वजह से आ रहा है या काम की वजह से आ रहा है, लेकिन कॉल तो आ रहा है। रोमांटिक बात तो नहीं, लेकिन हाँ आप दोनों के बीच में बात होने वाली है। जो लोग तरस रहे ना इतने दिनों से उनकी आवाज सुनने के लिए, लाइव वॉइस सुनने के लिए, उन लोगों को सुनाई देने वाली है। लेकिन मैं आपको एक वार्निंग दे रही हूँ आज के इस वीडियो में कि इस पर्सन के साथ अभी जो कॉल पे बात होने वाली है, और कुछ लोगों के लिए टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है जो लोग कॉल प्रेफर नहीं करते, तो शांति से बात करें, ज्यादा कुछ चू चपड़ ना करें, पॉजिटिव होकर शांति से बात करें, सब सही होगा, अदरवाइज लड़ाई होने के चक्कर है। ओके, तो अपना अपना ध्यान रखें, अपना अपना ख्याल रखें। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी लोगों से बहुत सारा प्यार, बाय।